एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास तीन वेरिएबल हैं तो हम उन तीन वेरिएबल में से सबसे छोटा वेरिएबल यानी कि उसकी सबसे छोटी वैल्यू वाला वेरिएबल कैसे फाइंड आउट करेंगे और इसके लिए हम एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे, ये हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट एल्गो। अब क्योंकि तीन वेरिएबल हैं इसलिए हम उन तीनों को रीड करेंगे। इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे रीड फर्स्ट नंबर इन नम वन, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, मैंने नम वन लिया है। फिर रीड सेकंड नंबर इन नम टू, रीड थर्ड नंबर इन नम थ्री। अब ये तीनों रीड कर लिए, इसके बाद हमें क्या करना होगा, इनमें से छोटा हमें फाइंड आउट करना है। तो नम वन की अगर हम बात करें तो नम वन छोटा कब होगा, जब नम वन नम टू से भी छोटा हो और नम वन नम थ्री से भी छोटा हो, तब हम कह सकते हैं कि नम वन तीनों से दोनों से छोटा है। तो हम यहाँ लिखेंगे नम वन लेस देन नम टू एंड नम वन लेस देन नम थ्री, कि नम वन नम टू से भी छोटा है और नम वन नम थ्री से भी छोटा है, तब हम कह सकते हैं कि नम वन इज स्मॉल। तो यहां पर हम प्रिंट कर देंगे नम वन इज स्मॉल। मैंने ये मैसेज लिखा है, आप कोई और मैसेज भी लिख सकते हैं। एल्स, अब इसके बाद में देखिए दो कंडीशन हो सकती हैं। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने ये मानकर चला हुआ है कि कोई भी दो वैल्यू जो हैं या इनकी वैल्यू जो हैं सेम नहीं है, ये अलग अलग वैल्यू वाले वेरिएबल हैं। तो अब यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती हैं कि हो सकता है नम टू छोटा हो सकता है नम थ्री छोटा हो। तो यहाँ पर हम फिर से चेक करेंगे, इसके लिए फिर से अब इफ़ लगाएंगे, इफ़ नम टू इज लेस देन नम वन एंड नम थ्री इज लेस सॉरी नम टू इज लेस देन नम थ्री। नम टू छोटा है नम वन से और नम टू छोटा है नम थ्री से, तब हम कह सकते हैं कि प्रिंट नम टू इज स्मॉल। अब अगर नम वन भी नहीं है छोटा, नम टू भी छोटा नहीं है, तो फिर कौन सा छोटा हुआ, नम थ्री छोटा हुआ। तो अब इसको हम चेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे प्रिंट नम थ्री इज स्मॉल। और इफ इस वाले इफ के लिए एंड इफ, और ये वाला जो इफ है इसके लिए ये एंड इफ। एल्गो हमने स्टार्ट की थी, तो एल्गो एंड एल्गो। तो इस तरह से आपने ये एल्गोरिथम बना लिया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। और यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।